विभाग व समाज सेवियों ने जनपद की मलिन बस्तियों में जाकर लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए किया जागरूक। महिलाओं व बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए मास्क सैनिटाइजर किया वितरित। कोरोना वायरस के लक्षणों की जानकारी देते हुए कोरोना से बचने के उपाय भी बताए। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा महिला कल्याण विभाग के कर्मचारियों व समाज सेवियों ने। देखिए खास रिपोर्ट। परिचय बता दीजिए। मैं सारिका शुक्ला, लाइब्रेरी बस्तीपुर से हूँ। आज आप लोगों ने कुछ लोगों को जागरूक किया, क्या है पूरा उद्देश्य बता दीजिए। हाँ, ये महिला कल्याण विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान किया गया था कोरोना बीमारी के तहत, कि लोगों में बहुत ज़्यादा ये डर पैदा हुआ कोरोना है क्या, और तो कोरोना के बारे में वहाँ से महिला कल्याण विभाग से महिलाएं आई हुई हैं और उन्होंने इसके विषय में बहुत अच्छा लोगों को जागरूक किया, सैनिटाइजर वितरित किया, मास्क वितरित किया और साबुन दिया, डेटॉल साबुन दिया इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें लोगों को, ये सारी चीज़ें जो जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे ये सारी चीज़ें पाके बहुत खुश हैं, मास्क वगैरह लगा के भी बहुत खुश हैं जैसा कि आपने देखा भी। और महिला कल्याण विभाग की तरफ से महिलाओं का ये कार्यक्रम जागरूकता के तहत बहुत ही अच्छा था। नहीं, इस तरह के कार्यक्रम क्या लगातार होने चाहिए, लोगों में अभी भी लगता है कि क्या आपको की जागरूकता की जरूरत है। कोरोना बीमारी के तहत लोगों में जो डर पैदा हो गया है, तो ये कार्यक्रम हमेशा होते रहना चाहिए, एक महीने डेढ़ महीने पर, जैसा कि लोगों ने अभी भी विभाग की तरफ से आई हुई महिलाओं ने बताया भी कि ये कार्यक्रम हम हमेशा करते रहेंगे और जगह जगह बस्तियों में जाके ये कार्यक्रम हो रहे हैं इनकी तरफ से। तो सही में मैं बहुत ही खुश हूँ कि सरकार की तरफ से ये अभियान बहुत अच्छा है। आज आप लोगों ने कुछ लोगों को जागरूक किया, क्या है पूरा मामला बता दीजिए। आज महिला कल्याण विभाग की तरफ से हम आए हैं यहाँ पर कोरोना से संबंधित चीज़ों लोगों को अवेयर करने के लिए। किन किन लोगों को आप लोगों ने अवेयरनेस? यहाँ पर जो मलिन बस्ती है यहाँ पर, वहीं के मतलब जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, इन्हीं लोगों को आज कुछ कोरोना संबंधित बातों को बताया गया है।